उदगीर इन महाराष्ट्र। ओके यस सर, स्टार्ट कीजिए सर लेक्चर। ओके, आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। ओके Is it visible to everyone? Nilesh sir? Yes sir, visible. Okay. So friends, our today's topic we will going to discuss that is nothing but the Tillage implements. Okay. So here we are going to start our lecture now. So before going to learn about the what are the implements we are going to use there, we should know what is the tillage. Okay, so tillage is nothing but the what is the physical manipulation of the soil. Okay, soil को हमें disturb करना है physically, ठीक है, और वो काय के लिए करना है, हमें हमारा जो growing crop है उसको favorable condition देने के लिए, ठीक है. So what we are going to do in that, we are going to break our hard pan. Okay, जो भी soil compact बनी हुई रहती है बहुत बहुत सालों की यूज के बाद, बहुत दिनों की यूज के बाद, हमें क्या करना है, उसको ब्रेक करके उसको एक फेवरेबल कंडीशन में लाना है. और ये किसके मतलब किसके हेल्प से हम करेंगे, सो वी आर गोइंग टू यूज सम टूल्स एंड इम्प्लीमेंट देर. ओके, और वो जो टूल्स और इम्प्लीमेंट होते हैं वो क्या, वो मतलब क्या रहते हैं, हमारे जो टाइप ऑफ ऑपरेशन रहता है, या तो अपना प्राइमरी ऑपरेशन रहेगा या तो सेकेंडरी ऑपरेशन, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो जो भी अपना फिजिकल मैनिपुलेशन रहेगा वो हम विदाउट टूल कर नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज वी वांट प्रिसीजन इन व्हाट एवर प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू देयर. ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड सम सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंट देयर. ओके, सो अपना जो टिलेज है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हमें ये क्यों करना है, ठीक है. जो टिलेज मतलब हम क्या कह सकते हैं उसको, जुताई, जो अपना कोई भी क्रॉप हो उसको ग्रो करने के लिए पहले हमें उसको फेवरेबल जो कंडीशन रहता है वो उसको देने पड़ते हैं, ठीक है. और डेफिनेटली अगर हम किसी को भी अगर एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन देंगे तो वो खुद से अच्छी तरह से ग्रो करेगा, ठीक है. तो वही हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप के लिए कर रहे हैं, ठीक है. और उसके लिए जो प्रैक्टिस अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टिलेज. अब उसमें से हमें वो करना है तो क्यों करना है, तो उसके लिए हमें सीड बेड प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से, जो उसके ऊपर ऑलरेडी जो घास वगैरह रहती है, वीड्स वगैरह रहते हैं उसको रिमूव करना है, बाद में अपना जो सॉइल रहता है उसको एरिएट करना है, ठीक है. मतलब कि जैसे हमें भी कुछ हमें ऑक्सीजन लगता है, उसी तरह से कुछ और गैसेस रहते हैं जो प्लांट्स को लगते हैं, ठीक है. उसमें नाइट्रोजन आएगा अपना, या फिर उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, या फिर कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन भी रहता है, ठीक है. तो ये सब कुछ सॉइल को प्रॉपरली मिलना चाहिए. तो कुछ शॉर्ट में वो एनवायरमेंट से लेते हैं और कुछ शॉर्ट में उनको सॉइल के थ्रू लेना पड़ता है. तो उसके लिए सॉइल का एरिएशन अच्छी तरह होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एयर पॉकेट्स नहीं रहने चाहिए सॉइल में, ठीक है. उसके बाद में ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ाता है. अब वाटर होल्डिंग और वाटर एब्जॉर्बिंग ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है. सो यहाँ पे ये क्या करता है, उसको सॉइल को पोरस बनाता है. तो ऑब्वियसली वो मतलब जो वाटर है वो मतलब ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है. सो ये टिलेज का एक बेनिफिट है. बाद में क्या करता है, जो अपना इंसेक्ट्स रहता है, पेस्ट रहता है, या फिर उनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस मतलब वो अपने जो एग्स वगैरह देते हैं ना ग्रो करने के लिए, उन सबको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, ये टिलेज. और ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, क्योंकि हमें जो ये थर्ड पार्टी जो ये रहता है उन सबको निकालना पड़ता है, सो दैट कि अपना जो क्रॉप है वो अच्छी तरह ग्रो करे और अपने को अच्छी तरह यील्ड मिले, ठीक है. और अगेन इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग अवर सॉइल इरोजन. ओके, सो बेसिकली
देखो जब टिलेज वॉज इंट्रोड्यूस ना, एट दैट टाइम देर वॉज ओनली टू टाइप्स ऑफ टिलेज, ओके, एंड विच आर देन, विच आर दोज आर नथिंग बट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी टिलेज. और लेकिन बट आफ्टरवर्ड्स विथ लॉट ऑफ स्टडीज एंड रिसर्चर्स, ओके, बहुत सारे स्टडीज हुए, रिसर्च हुए, उसके बाद में हमें पता चला कि एक्चुअली वी डू नॉट नीड टू फॉलो व्हाट एवर वी आर गोइंग, वी आर डूइंग फ्रॉम ट्रेडिशनली, ओके, हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें हर एक कंडीशन में अलग अलग तरह से काम करना रहता है, ठीक है. सो इसके लिए हमने क्या किया है, बाद में हमने सोचा कि हमें इतना बड़ा इनपुट देने की जरूरत नहीं है, तो हमने अलग से एक मॉडर्न टिलेज का भी एक कंसेप्ट लाया, ठीक है, जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया है उनके अकॉर्डिंग. तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है अपना मिनिमम टिलेज, उसके बाद में जीरो टिलेज और ये स्टब्बल मल्च. अब मिनिमम टिलेज में मतलब हमें क्या करना है, सोइल को कम से कम डिस्टर्ब करना है. देखो ये जो अपन कर रहे हैं ना, इसमें से हमें अपना यील्ड भी बढ़ाना है, ठीक है. अब यील्ड अगर पर्टिकुलर, अगर मान लो 10 रुपये लगा के आप 100 रुपये कमा रहे हो, तो इसमें आपका बेनिफिट कितना है, बेनिफिट है 90 रुपीज का, ठीक है. तो सेम आप हमें ये जो मॉडर्न टिलेज है इसमें क्या करना है, जो जो 10 रुपये लगा रहे हम उसको कम करना है. अगर मान लीजिए हम 7 या 8 रुपये ही लगाएंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट है, मतलब जो यील्ड है वो तो सही रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 92 हो जाएगा या फिर 93 हो जाएगा. जो 2-3 रुपये बढ़ रहे हैं, ये क्या होगा, ये जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, ठीक है. तो मतलब ये हम किस किस से अचीव करेंगे, तो अपना ये जो मॉडर्न टिलेज है उसको अप्लाई करके करेंगे. मतलब कि हमें कम इनपुट दे के जो अपना आउटपुट है वो निकालना है. अगेन ये क्या करेगा, ये जो सॉइल को डिस्टर्बेंस है वो कम करेगा, ठीक है. तो इसके लिए अभी जो मिनिमम टिलेज है उसमें क्या होता है, मतलब हमें कम से कम डिस्टर्ब करना है, ठीक है. स्ट्रिप टिलेज में क्या रहता है, एक जो अपना एक पट्टी रहता है, मतलब जो लैंड का एक छोटा सा पट्टी रहता है, उसका 4 से 5 सेंटीमीटर का, उसी को अपन को टिल करना है, ठीक है. क्योंकि अपना जो क्रॉप है हम उसी के अंदर लगाने वाले हैं, तो हमें सिर्फ उतना एक उस पट्टी का ही टिलेज करना है, ठीक है. और उसके बाद में आता है अपना स्टब्बल मल्च टिलेज. तो उसमें क्या करेंगे अपन, जो ऑलरेडी वहां पे जो अवेलेबल है मटेरियल, ठीक है, उसको ही कट करके अपना जो सोइंग वगैरह होता है उसमें अपन एक ऑर्गेनिक मल्च का लेयर बिछाते हैं, सो दैट इट विल प्रिवेंट अवर मॉइस्चर, ओके. जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा सोइल का वो ऐसे ही रहेगा, वो मॉइस्चर को प्रिजर्व करेगा, और वो जो टेम्परेचर रहेगा वो मेंटेन करके रखेगा, जो अपने क्रॉप के लिए फेवरेबल रहता है, ठीक है. अगेन जो अपना प्राइमरी टिलेज है, मतलब टिलेज के जो मेन दो टाइप्स थे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें का अभी एक अपन देख रहे हैं प्राइमरी टिलेज, ठीक है. सो इसमें क्या करेगा अपन क्या करेंगे, जो कॉम्पैक्ट लेयर होता है उसको अपन को कट करना है, ठीक है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू कट आवर कॉम्पैक्ट लेयर, देन लिफ्ट इट एंड ब्रेक इट, ओके. सो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, मतलब उसके लिए हम जो भी इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं उसको क्या, उनमें क्या क्या आता है, जितने भी प्लाउज होंगे, ठीक है, इट मे बी अवर मूलबोर प्लाउ, डिस्क प्लाउ, देन अवर सब सॉइलर प्लाउ और रोटरी प्लाउ, ओके. जितना टाइप्स का प्लाउ होता है वो सब प्राइमरी में आता है. ये क्या करते हैं, ये अपना हार्ड पैन को ओपन करते हैं, उसको जो जितना अपने को चाहिए उतना जमीन लेवल से सेपरेट करते हैं, उसके बाद में उसको अनवर्ट करते हैं, इन्वर्ट करके जो उसमें कुछ अगर वीड्स वगैरह रहेंगे, कुछ स्टबल वगैरह रहेंगे, इसको सोयल के अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है. सो दैट जो भी अपन जितने दिन जितना भी पीरियड के लिए इसको रखेंगे वो उसमें मतलब कम डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है. और सेकेंडरी टिलेज में क्या करेंगे, अपना जो प्राइमरी टिलेज का डेप्थ रहता है ना वो नॉर्मली 15 सेंटीमीटर का रहता है, ठीक है, 15 से 20, लेकिन नॉर्मली रहता है अपना 15 का, ठीक है. और जो सेकेंडरी रहता है वो क्या करता है, जो हमने प्राइमरी इसमें वो जो भी हार्ड पैन ब्रेक किया है या फिर जो भी
मतलब जितना भी अपन ने उसको लिफ्ट करके साइड में किया था, वो पूरे सॉइल को हमने क्या करना है, एक उसको फाइन करना है, ठीक है, उसको प्रॉपर उसको पोरस बनाना है, ठीक है, सो दैट कि जो अपना क्रॉप रहेगा उसके लिए एक अच्छे तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, एक फाइन ऑपरेशन करना है। और ये इसका डेप्थ कितना रहेगा, इसका डेप्थ 7 से 8 सेंटीमीटर तक रहेगा, ठीक है, इट अगेन डिपेंड ऑन व्हाट एवर द क्रॉप यू आर गोइंग टू ग्रो देयर। ओके, सी हियर, इट इज फॉर दी शॉलो डेप्थ। ओके, जो अपना प्राइमरी रहेगा वो ज्यादा डेप्थ के लिए रहेगा, और जो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन रहेगा वो कम डेप्थ के लिए रहेगा, मतलब ऊपर से ही ट्रिप, जितना भी रूट जोन एरिया रहता है उतना ही ट्रिप, ठीक है। और बाद में क्या करेगा ये, सी जो एयर पॉकेट्स रहते हैं हमें पल्वराइज करना है, बट जो अंदर एयर का गैप रहता है ना उसको निकाल देना है, ठीक है, एयर के गैप्स वगैरह नहीं रखने। अगेन ये क्या करता है, जो वीड्स वगैरह रहते हैं ऊपर का, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर का लेयर उसको टील कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू रिमूव व्हाट एवर द वीड्स आर देयर। ओके, और अगेन अपर लेयर अगर अपन यूनिफॉर्मली ये करेंगे, टील करेंगे, तो जो उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, जो अपने जो भी अंदर का लेयर रहते हैं वहां का, ये उसको वहीं पे ट्रैप करके रखेगा, ठीक है, और वही अब हमें जो हमारा थ्रोट व्हाट एवर दी लाइफ स्पैन ऑफ अवर क्रॉप, वो मॉइस्चर हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जितने टाइप्स के हैरो रहेंगे, ठीक है, वो पूरे टाइप्स के हैरो, बाद में कल्टीवेटर्स, ये सब सेकेंडरी टिलेज में आएंगे। जो अपना रोटावेटर रहता है वो हम बहुत टाइप ऑफ ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, थीके? वही एक जो अपना मॉडर्न एग्रीकल्चर जो बोलते हैं उसके अंडर में आता है, और वो हम बहुत ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन अभी यहाँ पे आएंगे अपने प्राइमरी टिलेज में, प्लाउज जो बोले थे वो प्लाउ, और जो रोटेटर बोला था वो रोटरी टिलर के लिए, और ये सब सोलर प्लाउ, ठीक है। तो जो अपना मतलब फर्स्टली अपन देखेंगे वो एमबी प्लाउ रहेगा, ठीक है। अभी ये जो वर्क कर रहा है ये रिवर्सिबल एमबी प्लाउ है, ये देखो यहाँ से वो एक साइड में सॉइल को लिफ्ट करके डाल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये क्या क्या करेगा, कटिंग, लिफ्टिंग, टर्निंग एंड पल्वराइजिंग ऑफ द सॉइल। पहले कट करेगा एक पर्टिकुलर लेवल से, उसके बाद में उसको लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करते हैं साथ में उसको ये टर्न कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर देख सकता है तो, यहाँ पे दिख रहा है ये इसको टर्न कर रहा है, ठीक है। पहले पहले जो है वो इसको नीचे से कट करेगा एक पर्टिकुलर साइज से, जो अपना जो डेप्थ रहेगा अपना वो वाला डेप्थ, ठीक है, और फिर उस डेप्थ से कट करने के बाद में ये इसको यहाँ पे लिफ्ट करेगा, ये उसका मूल बोर्ड है, ये इसको लिफ्ट कर रहा है, ये एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है, इसको टेल पीस बोलते हैं, बाद में अपन देखेंगे, ठीक है। और ये इसको मतलब टर्न करके जो साइड में उसको फेंक दे रहा है, ठीक है। बाद में अपना क्या आएगा, एक मिनट, जो एमबी प्लाव है उसके बारे में देखेंगे अभी, ठीक है। जो पहला वाला अभी देखे ना अपन, उसका जो ऑपरेशन था उसके बारे में, जो देखो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे पार्ट्स है, अभी ये इतने सारे पार्ट्स क्यों है, तो इसका सिंपल लॉजिक है, अगर पर्टिकुलर कोई पार्ट अगर खराब हो जाता है तो सिंपली हमें पूरा इम्प्लीमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उतना रिमूव करना है, और मतलब या तो रिमूव करो या फिर मतलब चेंज करना है तो चेंज करो, या फिर रिपेयर करके फिर से भी लगा सकते हैं, ठीक है। थीके? तो उसके लिए ये जो रहता है ये नंबर ऑफ पार्ट्स में बनाया जाता है, ठीक है। अभी पहला जो पार्ट है वो है अपना शेयर, ठीक है, एक मिनट पहले ये से देखेंगे। देखो ये जो स्टार्टिंग में जो नीचे वाला पार्ट, नीचे वाली जो इमेज है उसको देखो, ठीक है, ये वाली इमेज को देखते रहो, ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसके लिए। पहले अपन जो शेयर है, ये शेयर क्या करती है,
हमें इसको सोइल के अंदर पेनिट्रेट करके कट करना पड़ता है, तो जो सोइल के अंदर से हॉरिजॉन्टल कट जो है वो शेयर करती है, ठीक है, इट कट्स द सोइल हॉरिजॉन्टली बिलो द सोइल सरफेस, ओके, और उसके बाद में वो जो कट हुई सोइल वो कहाँ पे आती है, मूल बोर्ड के साइड में आती है, और वो मूल बोर्ड क्या करता है उसको, इसको लिफ्ट करता है जो भी कट की हुई सोइल उसको, और टर्न करके वो जो स्लाइस कट किया हुआ उसको टर्न करके बाजू में फेंक देता है, ठीक है। तो बाद में आता है अपना ये जो लैंड्स है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको नीचे में, ये वाला है लैंड साइड, ओके, जो लैंड साइड रहता है वो क्या करता है, ये मतलब ये रहता है कहाँ पे, एक जो अपना हॉरिजॉन्टल कट रहता है ना, तो वहां पे वो रहता है, और वो क्या करता है, साइड में जो थ्रस्ट आता है उसको लेता है, ठीक है। अभी अपना इम्प्लीमेंट अगर अपने जो वॉट एवर द फील्ड है वहां पे अगर वो वर्क कर रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, सॉइल तो एक तो पीछे तो ढकेल ही रही है, लेकिन साइड से भी उसको ढकेला जाता है इम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो वो जो साइड से जो ढकेल रही है उसको, वो जो थ्रस्ट वहां पे मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, उस थ्रस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये लैंड साइड रहता है, ठीक है। सो दैट जो अपना इम्प्लीमेंट है वो इधर उधर हिलेगा नहीं या डूलेगा नहीं, या मतलब वो स्ट्रेट चलेगा, ठीक है, उसलिए वो लैंड साइड रहता है। और जो ये फ्रॉग 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 इज नथिंग बट अपना जो रहता है ना, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड में रहता है, एक फ्रेंड जो सबको बांध के रखता है, उसी की तरह ये फ्रॉग है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जो भी अपने बाकी के जो पार्ट्स है उसको अटैच करके रखा है, ठीक है। हमें ये जो बाकी के पार्ट है ये फ्रॉग के ऊपर लगाने हैं, ठीक है, ये अपना यहाँ का मेन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ही बाकी के जो जितने भी रहेंगे वो पूरे ज्वाइंट किए हुए रहेंगे, ठीक है। अभी देखो ये जो अपना मूल बोर्ड है उसके पार्ट से, ठीक है, ये जो है मूल बोर्ड प्लाउ के पार्ट से, ये जो बोर्ड है वो क्या करता है, ये सॉइल के कांटेक्ट में ज्यादा रहता है, इसको सॉइल को इन्वर्ट करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। बाद में ये जो अपन जो शियर यूज करते हैं मतलब कि प्लाउ के अंदर, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये वाला शियर है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये वाला जो है ये यहाँ पे एक शियर बार टाइप का दिखा है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसलिए दिखा है कि अगर शियर बार यूज हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अपन लैंड साइड की यूज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, यही लैंड साइड की तरह एक्ट करता है, ओके। और लैंड साइड का तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये क्या करता है, जो अपना साइड वॉल रहता है फोरो का, उसको चिपक के चलता है, ठीक है, सो दैट कि पूरा का पूरा जो इम्प्लीमेंट है उसको वहां से मतलब थोड़ा फ्रिक्शन कम हो, गनल और जो अपना लैंड साइड का जो हील रहता है वही एक कॉन्टेक्ट में रहेगा, ठीक है, अपना फ्रिक्शनल लॉस रिड्यूस करने के लिए, ओके। देखिएगा ये जो है, ये अपना जो बोर्ड यूज कर रहे हैं अपन मूल बोर्ड, इसके अलग अलग डिफरेंट ये टाइप्स है, उसके अपन जो यूज कर रहे हैं मतलब अगर नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो जनरल टाइप का यूज करते हैं, लेकिन जो जहाँ पे स्टब्बल वगैरह ज्यादा होते हैं, जहाँ पे ज्यादा घास रहती है वहाँ पे हम स्टब्बल टाइप का यूज करते हैं, और जहाँ पे स्टिक मतलब जो कॉम्पैक्ट सॉइल रहती है, टफ ग्रास वाली, जहाँ पे बड़े बड़े क्लॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे हम सॉड बेकर टाइप्स का यूज करते हैं, ठीक है, सॉड और बेकर टाइप्स का, जहाँ पे बड़ी बड़ी जो ये रहती है टफ सॉइल ग्रासेस रहती है वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ये जो इसका बोर्ड जो रहता है ना, ये थोड़ा लंबा रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर बोर्ड्स, ये जो है इसका थोड़ा लंबा रहता है, देखो ये, ठीक है, इसका जो मूल बोर्ड है वो। उसके बाद में ये स्लेट टाइप, अभी स्लेट टाइप का क्या रहता है, अभी देखो जब सॉइल मूव होती है ना यहाँ से, तो सॉइल वो स्कोरिंग होता है, मतलब वो क्या करती है, ये बोर्ड पे चिपकती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये चिपकनी नहीं चाहिए, सो उसके लिए हम ये इस टाइप का एक यूज करते हैं, स्लेट टाइप का, जो भी स्टिकी सॉइल्स होती है वहां पे स्पेशली यूज होता है, सो दैट कि इट विल अवॉइड स्कोरिंग ऑफ आवर सॉइल, ओके।
Then land side already I have discussed about it. See ये जो part है ना, एक मिनट, ये जो part है ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये है hill, ठीक है, ये hill क्या करती है, ये जो rear bottom रहता है अपना जो पीछे वाला land side का वहां पे रहता है, और यही जो है वो व्हाट इट विल रब अगेंस्ट दी फरो सोल, ओके, जो अपना साइड रहता है फरो का उसके अगेंस्ट में यही कांटेक्ट में रहती है ये, और जो अपना गनल रहता है ये यहाँ पे रहता है गनल वो, और ये ठीक है जो अपना एक मीटर को सी वन मिनट यू कैन सी हियर, ये जो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है ये वाला गनेल, ठीक है, ये पोर्शन और जो ये हील है, ठीक है, जब ये पिक्चर में देखो ये वाला जो है ये फरो का साइड है, ठीक है, ये साइड वॉल है, ठीक है, यहां से जब ये यहाँ पे चिपक के जब ये चल रहा है तो उस टाइम पे जो अपना जो गनल है वो और जो हील है वो इतना ही पार्ट जो फरो वॉल है उसको लग के चलता है, ठीक है, सो दैट जब भी सॉइल आएगा सॉइल यहाँ से आएगा फिर मूड बोर्ड पे जाएगा और वहां से वो इन्वर्ट होके साइड में चला जाएगा, ठीक है, जो एक्चुअल कांटेक्ट में पार्ट रहेगा वो ये और हील वाला इतना ही पार्ट रहेगा, सो दैट वी कैन रिड्यूस अवर फ्रिक्शन लॉसेस, ओके, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हम सिर्फ उसको जो फ्रिक्शनल लॉसेस है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये काय काय में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द साइड फोर्सेस, ओके, जो लैटरल थ्रस्ट आता है ना व्हाइल इंप्लीमेंट इज वर्किंग इट विल अब्सॉर्ब द आवर साइड लैटरल थ्रस्ट, ओके, उसकी वजह से अपना जो प्लाउ है वो स्टेडीली चलता है, ठीक है, ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता है, और ये अगेन इसकी वजह से अपना प्लाउ एक स्ट्रेट लाइन में चलने में हेल्प होती है, ठीक है, देन अगेन शियर, ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट मेक्स द हॉरिजॉन्टल कट बिलो द सॉइल सरफेस, ओके, जो अपना जो मेन पार्ट रहता है जो भी अपना जो इंप्लीमेंट है उसका जो मेन पार्ट है ये शियर ही है, क्योंकि यही डिपेंड करता है कि कितना साइड पे कट कर रहा है और वहां से कितनी मिट्टी अपन को ऊपर उठाना है, ठीक है, सो इसके भी जो मेन पार्ट्स है वो यहाँ पे दिखाए, यू कैन सी इट इन पिक्चर, सी दिस वन इज द गनल जो कि साइड वॉल के साइड में रहेगा, ठीक है, और ये जो है ये शियर पॉइंट रहता है, मतलब यहाँ से भी सॉइल कट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से कट होती है और इधर हुए मूल बोर्ड की तरफ जाती है सॉइल और वहां से फिर इन्वर्ट होके साइड में उसको उस स्लाइस को इन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, इसके मेन पार्ट ये यू कैन सी इट हियर, ठीक है, सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस शियर बार, ओके, सो इसमें क्या करता है, ये जो पॉइंट है यहाँ से सॉइल का कटिंग चालू होता है, यहाँ से ये जो है इतना विड्थ में ये जो है वो विड्थ को कट करता है, ठीक है, और ये अपना जो फरो का साइड रहता है उससे ये चिपक के चलता है, ठीक है, ओके, नाउ कल्टर, ओके, यू कैन सी इट हियर, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, सी कल्टर का क्या है, मतलब जो हमें व्हाइल स्टार्टिंग और ऑपरेशन वी नीड टू कट दिस सॉइल इन स्लाइस, ओके, तो पहले कल्टर क्या करेगा, एक छोटे से स्लाइस में कट करेगा, सो दैट इट विल एक्ट लाइक आवर व्हाट एवर दी लाइन, ओके, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ये एक्ट करेगा, उसको कट करेगा, ठीक है, पहले जो सॉइल है वो यहाँ से कट होगी, ये वर्टिकली कट करेगा, ठीक है, और उसके बाद में अपना जो मेन शेयर रहेगा ये सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है,
पहले जो अपना कटर है वो फरो स्लाइस को वर्टिकली कट करेगा एक स्लाइस में, ठीक है, या अपनी लैंड को एक स्लाइस में कट करेगा। उसके पीछे से अपना जो जॉइंटर आ रहा है इसको, ये जॉइंटर क्या करेगा फिर, जॉइंटर इज नथिंग बट ये यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ छोटा प्लाउ, ठीक है, एक छोटा प्लाउ ही है वो। लेकिन वो क्या करता है, जो ऊपर के आने वाले जो ट्रेसेस वगैरह है उसको कट करता है और उसको यहाँ पे ये जो अपना मूल बोर्ड है वहां पे फेंक देता है, ठीक है। फिर अपनी जो सॉइल है वो क्या करती है, नीचे से कट होकर आती है और ये जो इसने जो कट करके भेजा हुआ मटेरियल रहता है उसको अपने अंदर मिक्स कर लेती है, ओके। द ट्रैशेस विल गेट कट एंड बरीड अंडर द सॉइल एंड विल थ्रोन आउट द व्हाट एवर द साइड ऑफ दिस ऑपरेशन, ओके। जिस साइड में भी ऑपरेट कर रहे हैं अपन उस साइड में उसको वो जो स्लाइस है उसको थ्रो कर देता है, ठीक है। बाद में आता है जॉइंट, मतलब जिस जॉइंटर, तो मैं अभी आपको बता दिया है इसके बारे में, ओके। जॉइंटर क्या करता है, ये जब भी ये जो कल्टर अपना स्लाइस कट करेगा उसके बाद में जो जिस पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर का अपने अपना ऑपरेशन है वहां पे जो जितना भी ट्रैशेस वगैरह रहेगा, जो भी वीड्स रहेगा, ये उसको कट करेगा, ठीक है, उस वीड्स को। और वो जो कट करके है ये जो अपना मूल बोर्ड है उसके सामने ला के रख देगा, सो दैट कि जो मूल बोर्ड है यहाँ पे, मतलब ये यहाँ से कट होके इधर आएगा, फिर मूल बोर्ड के नीचे से सॉइल आके यहाँ पे ये सॉइल उसको अपने अंदर मिक्स कर लेगी और इस साइड में उसको थ्रो करेगी, ठीक है। और उसका बेनिफिट क्या है, ये अपना जो ट्रैशेस वगैरह है उसको एक ग्रीन मैन्योरिंग की तरह वर्क करेगा, ठीक है। कुछ दिनों बाद वो डिकम्पोज हो जाएगी तो इट विल बेनिफिट अवर क्रॉप, ओके। अभी आता है अपना जो भी ये है एमबी प्लाउ, उसका ये दोनों मेन कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो वर्टिकल सेक्शन रहता है ये अपने को मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर, व्हाट एवर मतलब अपनी जो डिजायर्ड, अपनी जो इसकी जो वर्किंग की डेप्थ रहती है उसके लिए अपना जो वर्टिकल सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। अभी एक मिनट, जो अपनी हाइट रहती है ये वाला इमेज आप देखते रहो, आपको अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है। ये जो पहली वाली इमेज है ये अपना टॉप व्यू है, ठीक है, दिख रहा है, ये वाला अपना टॉप व्यू है और ये अपन ने साइड से लिया होगा, ये साइड व्यू है, ठीक है। ये एक एमबी प्लाउ आप ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये अपना साइड से, ये साइड वाला व्यू है और ये टॉप वाला व्यू है, सॉरी, ठीक है। ये साइड से अगर देखेंगे तो ये जो ये गनल का पार्ट है ये, और ये जो है इसका रियर शू बोलते हैं इसको, रियर शू, ये क्या करता है, इसी दोनों के ऊपर टिका हुआ रहता है। एक्चुअल जो कॉन्टेक्ट रहेगा जो ग्राउंड के साइड में, जो जो अपना लैंड है जो उसके कॉन्टेक्ट में रहेगा वो ये दोनों ही पार्ट रहेंगे, ठीक है। और जो अपनी फरो वॉल रहेगी उसके कॉन्टेक्ट में रहेगा ये और ये हील, ठीक है, गनल और हील, यही हील का जो शू पार्ट है वो, और ये यहाँ पे इसको हील बोला गया है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रहेगा उसमें ये इसको हील बोलेंगे और जो वर्टिकल में रहेगा इसको इसको शू बोलेंगे, ठीक है। सो इसका पर्पस क्या है, सिर्फ इतना ही है कि ये अगर ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहेगा इतना एरिया तो ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा, हमें क्या करना है कम फ्रिक्शन में चाहिए। सो हमने क्या किया, इसको इतना ही पार्ट में कॉन्टैक्ट, हमने इसको ऐसा डिजाइन किया है कि ये इतना ही पार्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा, ठीक है। और इसी को ये जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकल सेक्शन और इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। पिक्चर को देखते रहिएगा जब जब बता रहा हूँ उस टाइम पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्या है, मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन दी लैंड साइड एंड दी फरो वॉल। ये जो लैंड साइड है ये, और जो यहाँ से फरो वॉल आएगा ये वाला फरो वॉल, और यहाँ पे जो ये वाली लैंड साइड, इसके अंदर का जो क्लियरेंस है उस क्लियरेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ओके। और वर्टिकल में क्या होता है,
ये जो रहता है ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके, ये नीचे वाला, और जो लैंड साइड रहती है अपनी ये वाली, वो इसके अंदर से नीचे से जो क्लियरेंस रहता है उसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन, ओके, और जो साइड से जो क्लियरेंस रहता है उसको जो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ओके। ये काफी बार पूछा भी जा सकता है आपको आईसीआर के एग्जाम्स में, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान में रखो ये दोनों पॉइंट, ठीक है। अभी अपने को जो एम्बिप्लॉय है उसको सेट करना है, ठीक है, तो हमेशा ये सेटिंग जो रहती है वो कैसे रहती है, हमें पहले तो अपना जो लोअर लिंक रहता है उसको अटैच करना पड़ता है, ठीक है, लोअर में भी पहले लेफ्ट वाली लिंक, उसके बाद में राइट वाली लिंक, और राइट दोनों लिंक के बाद में अपना टॉप लिंक, ओके। टॉप लिंक का क्लियर रहता है अपनी जो डेप्थ है उसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, ये जो रहता है गनल जो रहता है अपना, जो गनल और शू, इसको दोनों को प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ता है, उसके लिए जो टॉप लिंक का एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है, और ये एडजस्टमेंट बताया हुआ है, ठीक है, कि फ्रंट अगर ज्यादा डीपर जाएगा तो हमको टॉप लिंक को ज्यादा लिंक भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर ज्यादा डीपर जा रहे तो, सो दैट की जो जो भी अपना फ्रंट जो टच करने वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और सेम अगर वो पिछला साइड अगर ज्यादा पेनिट्रेट हो रहा है तो उस वो लिंक को अपन शॉर्टन करेंगे, ओके। नाउ हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट वाला इंप्लीमेंट है अपना डिस्क प्लाउ, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज हो रहा है, जहाँ पे स्टोनी और जो ट्रिशी सॉइल्स होती है उस टाइप्स के, यहाँ पे अपन ये जो डिस्क प्लाउ है वो यूज करते हैं, ठीक है, और ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है एज कम्पेयर टू अवर एमपी प्लाउ, क्योंकि इसमें जो पावर कंजम्पशन रहता है वो थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू अवर एमबी प्लाउ, ठीक है। अभी ये क्या करता है, इसको जब भी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, जो भी अपना ट्रेसेस या फिर अपना जो ये रहता है वॉट एवर दी स्टोन्स इन अवर फील्ड, सो इट विल रोटेट एंड विल इन्वर्ट इट, ओके। ये आगे चलते टाइम सोइल को कट करता है और साथ में ही रोटेट होता रहता है, और जो भी मतलब जो भी इसको ऑब्स्ट्रक्शन की तरह वर्क एक्ट करेगा उसको ये रोटेट करने के टाइम उठा के साइड में फेंक देता है, ठीक है। इट वर्क्स इन वेल इन स्टिकी सॉइल्स, ओके, वेयर मूल बोर डज नॉट वर्क दैट मच इफिशियंटली, ओके, सो दैट वहां पे स्कोरिंग ज्यादा होगा जहां पे स्टिकी सॉइल रहती है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको खुद से ही रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये इटसेल्फ रोटेट होता रहता है, तो अगर सॉइल चिपक भी जाएगी तो ये रोटेट होके उसको उठा देगा, और वो ये जो ऊपर से दिया है वो उसको स्क्रैप कर देगा, ठीक है। सो इसका जो सुटेबिलिटी रहता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो भी अपना स्टिकी सॉइल्स रहता है, ट्रिशी सॉइल्स रहता है, या फिर स्टोन सॉइल्स रहता है, जहाँ पे एमबी प्लाउ अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता वहां पे हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगेन जो ड्राई लैंड रहता है वहां पे एमबी प्लाउ ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है, तो ये जो है डिस्क उसको अच्छी तरह से कट कर देता है और अच्छी तरह से उसको पलोराइज भी कर सकता है, ठीक है, उसको उठा के इन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। बाद में जो जो भी सॉइल्स रहती है स्लैट टाइप अपन एमबी प्लाउ यूज कर सकते हैं स्टिकी में, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि ये एमबी प्लाउ है, ठीक है, इसलिए हम अगर ऑप्शन नहीं है तो स्लैट टाइप यूज कर सकते हैं, बट अपने पास अगर ऑप्शन होगा तो हम डेफिनेटली ये वाला प्लाउ यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसके जो मेन पार्ट है वो देखिएगा, ठीक है, यू कैन सी हियर, ओके, ये जो है ये डिस्क पार्ट है, ठीक है, ये फरो व्हील है जो डेप्थ मेंटेन करने के लिए, और जो अपना प्लाउ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या नहीं है ये भी गाइड करता है अपना जो ऑपरेटर है उसको उसके लिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर अपना डिस्क जो असेंबली है ये माउंटेड रहता है, ठीक है। ये जो है ये फ्रेम है, ठीक है। नाउ एक मिनट,
ओके जो उसके जो पार्ट है वो देख रहे हैं, ठीक है ओके। जो ये स्क्रैपर है ये क्या करता है, जब भी अपना स्टिकी सॉइल ये ऊपर लेके आता है डिस्क, अगर ये उसी के ऊपर जमी रहेंगी तो ज्यादा लोड लगेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, अपना जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए स्क्रैपर को दिया हुआ रहता है, ये क्या करता है, इट विल स्क्रैप आउट दी व्हाट एवर दी सॉइल विल स्टिक टू अवर डिस्क, ओके। इसको ये रिमूव कर देता है, इसका इतना ही काम है, ठीक है स्क्रैपर का। उसके बाद में स्टैंडर्ड, जो भी अपना डिस्क रहता है ये क्या करता है, एक बीयरिंग के थ्रू इसके ऊपर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। स्टैंडर्ड का काम क्या है, उसको होल्ड करके रखना एक प्रॉपर, जो भी अपने को जो अपना मतलब उसकी जो डिजायर्ड जो पोजीशन है उसको होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है स्टैंडर्ड का। या डिस्क के पीछे बीयरिंग रहता है, उसकी बीयरिंग के थ्रू ये उसके ऊपर माउंटेड रहता है, ठीक है। बाद में आता है फरो व्हील, जो अभी लास्ट में दिखाया था मैंने, ये क्या करता है, ये अपनी प्रॉपर एक पर्टिकुलर डेप्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। बाद में जो अगर अपना प्लाउ अगर स्टेबलाइज नहीं है, अगर लेफ्ट राइट अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसको ये काफी हद तक कम कर देता है, ठीक है। अगेन अपन एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं इसके लिए ये ऑपरेटर को हेल्प करता है, ठीक है। इट विल वर्क एज गाइड फॉर आवर ऑपरेटर, ओके, सो दैट व्हाट एवर वी आर गोइंग टू डू इट शुड बी इन अवर स्ट्रेट लाइन, ओके। और इसका व्हाट एवर दी डिस्क प्लाउ इज देयर, इफ यू वांट टू इंक्रीज आवर पेनिट्रेशन वी आर गोइंग टू इंक्रीजिंग द डिस्क एंगल, ओके। वी विल लुक इट फर्दर, ओके। हाँ फरो व्हील हो गए। उसके बाद में इसकी जो एडजस्टमेंट है, सी व्हाट एवर द एडजस्टमेंट्स आर देयर, इट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट एवर यूर फील्ड कंडीशंस, ओके। एडजस्टमेंट्स में अपने को क्या क्या करना है, अपना जो कटिंग है वो कितना चाहिए, मतलब कि जो कितना डेप्थ में करना है, उसके बाद में कितनी विड्थ तक कर दी है, ठीक है। उसके बाद में जो भी अपने को जो कटिंग किया हुआ है उसको एक लेवल में करना है, अगर उस टाइप से अपनी लैंड नहीं है तो इसकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए क्या क्या रहता है, उसके लिए गैंग एंगल रहता है, उसके बाद में डिस्क एंगल रहता है, उस टिल्ट एंगल रहता है, इन सब का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है, ठीक है। और स्क्रैपर भी डिस्क से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा क्लोज भी नहीं रहना चाहिए। अगर ज्यादा क्लोज रहेगा कि तो समटाइम्स इट मे कॉजेस सम फ्रिक्शन देयर, सो वो भी हमें अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद में जो फ्रोविल रहता है एकदम लास्ट का, वो वाला भी इस टाइप से एडजस्ट करना पड़ता है कि उसकी प्रॉपरली जो डेप्थ है वो हमें यही से मेंटेन करनी पड़ती है। इसके अंदर अगेन एक सस्पेंशन स्प्रिंग रहता है, सो दैट नीचे अगर कोई बड़ा पत्थर वगैरह आ जाएगा तो ये उसको मतलब इसके ऊपर से चला जाएगा, बट डिस्क क्या करेगी, उसको साइड में कर देगी, ठीक है, रोटेट या फिर रोटेट होके आगे निकल जाएगी, ठीक है। अब ये जो है डिस्क एंगल, ठीक है, अब डिस्क एंगल क्या करेगा, जो अपना कटिंग एज है उसको अपन उसको ये मतलब मेंटेन करने के लिए अपना डिस्क एंगल रहता है, ठीक है। तो ये काफी बार पूछा जाता है, एक्चुअली इट इज 42 to 45, सॉरी फॉर दैट 47, इट इज इन द रेंज बिटवीन 42 to 45, ओके। ये हमें काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। और जो डिस्क अपन यूज कर रहे हैं, इस डिस्क की थिकनेस कितनी रहती है, अगर स्टैंडर्ड डिस्क यूज किया तो इसकी थिकनेस रहती है 5 to 10, ओके, 5 to 10, ओके। ये पूछा जा सकता है आपके आईएसआर के एग्जाम में, सो एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नो अबाउट इट, इट्स थिकनेस इट अबाउट 5 to 10 mm, ओके। एंड व्हाट एवर द कॉन्केविटी, कॉन्केविटी मीन्स व्हाट, कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन से ये कितना अंदर है, ठीक है, ये कितना है, अगर डिस्क का डायमीटर 60 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर आएगा, और अगर ये अबो 90 है
तो ये 16 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, बट नॉर्मली वी आर गोइंग टू प्रीफर 60 सेंटीमीटर डायमीटर, सो आवर व्हाट एवर द कॉनकेविटी इट इज अप टू 8 सेंटीमीटर, ओके। और जो नॉर्मल अपना जो डिस्क का डायमीटर रहता है वो कितना रहता है, 60 से 90, ओके, 62 to 90 सेंटीमीटर, ओके, कीप इट इन माइंड, ओके। जो डिस्क एंगल रहता है ये क्या करता है, अपना जो मतलब जो अपनी जो विड्थ रहती है कटिंग की उसको एडजस्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो टिल्ट एंगल रहता है, ठीक है, टिल्ट एंगल, ठीक है, अब इसका जो अरेंजमेंट रहता है, सी डिस्क का मतलब डिस्क एक प्रॉपर वे में एडजस्ट की हुई रहती है, ये डायरेक्टली स्ट्रेट भी नहीं रहती और डायरेक्ट वर्टिकल भी नहीं रहती, ठीक है। तो पहले वाला जो देखा था वो डिस्क एंगल था, वो अपना जो अपनी जो जितनी भी विड्थ कट करना है उसके लिए रहता है, और जो टिल्ट एंगल रहता है वो अपना जो व्हाट एवर दी अपने को डेप्थ अचीव करना है उसके लिए रहता है, ठीक है। सो अगर आपको ज्यादा डेप्थ चाहिए तो जो ये टिल्ट एंगल है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से अपन देख सकते हैं, अगर ये कम होगा तो ऑब्वियसली ये जो डिस्क है ये ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, ठीक है। तो ये ज्यादा पेनिट्रेट करेगी तो अपने को जो डेप्थ है वर्किंग का वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और सेम जो अपना ये वाला डिस्क है, डिस्क एंगल, अगर ये देखो ये यहाँ से चल रहा है, ठीक है, ये फॉरवर्ड मोशन में चल रहा है, तो यहाँ से जितना भी ये जो डिस्क एंगल है जितना भी ज्यादा अमाउंट में सॉइल अपने अंदर लेगा उतना उसका जो वर्किंग का विड्थ है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये बाद में इसके एडजस्टमेंट अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग रहती है, ठीक है, जो भी अपना सॉइल टाइप है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। बाद में इसमें अगर आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई थिंक पेनिट्रेशन इंप्रूव करना है तो इसके ऊपर अपन वेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन जो विड्थ अपना जो विड्थ ऑफ कट होता है ये डिस्क एंगल तो अपन एडजस्ट करके कर ही सकते हैं, बट इट अगेन वी कैन एडजस्ट इट विथ लैंड व्हील एक्सल और जो फ्रेम रहता है वो जो फ्रेम दिखाया मैंने ये जो फ्रेम है इसके जो ये जो एक्सल्स रहता है उसके अकॉर्डिंग भी अपन मेंटेन कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो रिजिड टाइप्स का हो गया, बट सम टाइप्स ऑफ सम अदर डिस्क्लोज आर देयर जो रिजिड नहीं रहते, ठीक है, इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते, बट बाकी इसमें चेंज कर सकते, ठीक है। अपना नेक्स्ट वाला जो इम्प्लीमेंट है वो क्या है, रोटरी टिलर। अभी तक तो अपन प्राइमरी देख रहे, ठीक है। रोटरी टिलर ये क्या करता है, ये अच्छी तरह से पल्वराइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो अपना अपर लेयर का जितना भी ट्रेसेस वगैरह सब कुछ रहेगा ये इसको कट करके सॉइल में मिक्स कर देगा, ठीक है। और मतलब इससे सबसे ज्यादा अच्छी तरह से अपन सीड बेड प्रिपेयर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर इम्प्लीमेंट, ओके। ये अपन प्राइमरी में भी यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी में भी यूज कर सकते हैं, इट विल डिपेंड्स अपॉन अवर डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ओके। ये उसके कंपोनेंट है, ठीक है, जो ये वॉट एवर ये पीटीओ से पावर लेगा, ठीक है, ये पीटीओ से यहाँ पे पावर लेगा, यहाँ पे इसका गियर बॉक्स रहता है, इट अगेन ट्रांसफर पावर टू दिस शाफ्ट, ओके। यहाँ से फिर ये रोटेट करते हुए सॉइल को कट करेगा। अगेन इसके जो ये जो ब्लेड दिख रहे हैं ये तो सी टाइप रहते हैं या फिर एल टाइप रहते हैं, यहाँ पे जो यूज किया है वो एल टाइप है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब सी टाइप भी रहते हैं, ठीक है, वो डिपेंड अपॉन योर सॉइल और जो स्टबल है वहाँ पे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी ट्रेसेस वगैरह होंगे उसके अकॉर्डिंग भी अपन ब्लेड को चेंज करते हैं। इसका जो ब्लेड रहता है ये रिजिडली सपोर्टेड टू द फ्रेम, ओके, टू दैट शाफ्ट, ये रिजिडली सपोर्टेड रहेगा इसके ऊपर। और जो अपना फ्लेल टाइप मोर रहता है उसके अंदर ये फ्लेलिंग मोशन में रहता है, ठीक है, वहां पे रिजिडली नहीं रहता, यहाँ पे रिजिड में रहता है, ठीक है। इसके ये जो है ये पार्ट है आप देख सकते हो, यहाँ पे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इसके।
आप इसके इसका मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अपना जो बाकी के प्लाउज थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा मूविंग पार्ट्स है, ठीक है, तो मूविंग पार्ट्स है तो उसमें अपने को लुब्रिकेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है, और डिस्क प्लाउ में भी अपने को बेयरिंग को देना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ एमबी प्लाउ में हमें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एमबी प्लाउ रिवर्सिबल होगा तो वो जो पोर्शन आएगा वो तो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएगा ही नहीं जहाँ पे रिवर्स होगा, ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट्स है इसमें सॉइल का कॉन्टेक्ट आ सकता है, ठीक है, तो इसको हमें प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, गियरबॉक्स का ऑयल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर कोई ब्लेड अगर बेंट होता है तो हमें उसको मूव करना पड़ेगा वहां से, क्योंकि वो दूसरे ब्लेड को भी मतलब डैमेज कर सकता है इसलिए, ठीक है, बाद में बहुत बार यूज करने के बाद में उसके जो बोल्ट वगैरह रहते हैं या फिर अंदर का पोर्शन है कुछ रस्ट हो जाता है तो उसको हमें रिमूव करके एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है, बाद में इसमें भी बेयरिंग रहता है तो उसको भी चेक करना पड़ता है। और ये कब करना है इसको, कोई मतलब जब भी अपन वर्क करते हैं फील्ड में ऑपरेशन के बाद में अगर इसको प्रॉपरली वॉश करके रखेंगे तो इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, फिर इसको पीरियोडिक मेंटेनेंस लगेगा, ठीक है, उसमें भी अपन सेम चीज करने वाले हैं, जो ऑयल है लुब्रिकेशन है बाद में कुछ कहीं पे टूट फूट हुआ है नहीं वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अभी आता है ये सबसॉइलर, ये है, ये क्या करता है, ये डेप्थ में अगर ज्यादा डेप्थ में अपन हार्ड पैन क्रिएट हुआ है उसको अगर ब्रेक करना है तो सबसॉइलर आएगा, ठीक है, ये कहाँ पे होगा, अगर ज्यादा वाटर रीच आउट होके मान लीजिएगा आपने 100 सेंटीमीटर तक अगर कोई हार्ड पैन तैयार होता है तो वहां से क्या होता है पानी को नीचे वो जाने नहीं देगा, तो अगर पानी ऊपर रहेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो अपना क्रॉप है वो मतलब उसको वो डेड होने को चालू हो जाएगा या फिर अलग अलग टाइप का पेस्ट या फिर जो रोडेंट वगैरह रहते हैं वो वहां पे डेवलप होना चालू हो जाएगी, सो इट विल कॉज टू इट विल कॉज टू डाइंग अवर क्रॉप्स, ओके, इट विल रिड्यूसेस अवर व्हाट एवर द यील्ड, अगर उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा तो अपना यील्ड भी कम हो जाएगा, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है इसको यूज करना पड़ता है सो दैट वी कैन ब्रेक अवर हार्ड पैन। तो इसकी वर्किंग डेप्थ कितनी रहती है, इट मे बी लास्ट अप टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और अपने जितने भी प्राइमरी ऑपरेशन है वो कितने रहते हैं, हम मैक्स 25 सेंटीमीटर डेप्थ तक जा सकते हैं, इसकी कोई डेप्थ ऐसी ये नहीं है हम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो डेप्थ है वो 20 से 25 रहती है, उससे ज्यादा करेंगे तो अपना ही एनर्जी लॉस होता है, इसलिए हमने वो उतना ही डेप्थ में करने का ये किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड रखा है, ठीक है। बाद में अपने सेकेंडरी जो भी सेकेंडरी टिलेज है उसके लिए जो लगने वाले हैं इम्प्लीमेंट है ये अपना जितना भी हैरो और कल्टीवेटर आता है वो, ठीक है। अभी ये क्या करते हैं, ये ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है, जो ऊपर का लेयर रहेगा उसी को ये उसके हिसाब से कट करते रहेंगे, ठीक है, ऊपर का ही लेयर जो भी ऊपर के लेयर में अपना टैशेस रहेगा या फिर जो मतलब दूसरा कुछ मतलब जो भी कुछ रहेगा उसको ये रिमूव करके उसको पोलराइज करते, ठीक है, और इसका डेप्थ कितना रहेगा, इसका डेप्थ रहेगा 7 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर जो भी तुम अपन क्रॉप ग्रो करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो रहेगा उसका वाला क्रॉप, ठीक है, उस क्रॉप के अकॉर्डिंग अपन उसका डेप्थ रखेंगे, ठीक है। अब ये भी डिस्क हैरो में भी दो टाइप्स के रहते हैं, ठीक है, मतलब तीन टाइप्स के डिस्क हैरो रहते हैं, सिंगल एक्शन, डबल एक्शन और ऑफसेट, ठीक है, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं हमें, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिस्क हैरो है ये देखो, जो फर्स्ट वन इमेज इज दिस फॉर द डिस्क हैरो एंड अनदर वन इज द कल्टीवेटर, ओके, ये डिस्क हैरो है, ये कल्टीवेटर है। डिस्क हैरो ये क्या कर रहा है, जो सामने जो कल्टर डिस्क दिया है वो क्या करते हैं, ये जो ट्रेसेस वगैरह होते हैं उसको कट करते हैं और अपर लेयर जो सॉइल का रहता है वहां पे उसको मिक्स कर देंगे और ये उसके अंदर सॉइल के अंदर ये कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अगेन जो दूसरे डिस्क रहते हैं अपने जो दूसरे वाले रहते हैं वो एक मिनट, यू कैन सी here,
ये यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। सी हम डायरेक्टली भी हिच कर सकते हैं या फिर हाइड्रोलिकली भी उनको माउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अपना जो ट्रैक्टर के अटैचमेंट है, हम क्या कर सकते हैं उसको, हमने उनको तीन सेक्शन में क्लासीफाई किया है, ठीक है। हाइड्रो मॉड्यूलिक माउंटेड ऑन हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब क्या, जो अपना हाइड्रोलिक से ट्रैक्टर का उसका अपन यूज करेंगे इस हर को यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में सेमी माउंटेड मीन्स मतलब कि जो लोअर लिंक है उसका यूज करके अपन उसको यूज करेंगे लिफ्ट करने के लिए या फिर डंप करने के लिए, और टिल्टेड मीन्स उसको सिर्फ हमें हमें खींचना है थ्रू आउट दी ओवर लैंड, ओके। और जो गैंग रहता है, ठीक है, उस मतलब जो भी अपना मतलब जो अटैचमेंट का जो गैंग रहता है उसके उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सिंगल एक्टिंग, डबल एक्शन और ऑफसेट इस टाइप से किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, जो अपना सिंगल एक्शन मीन्स व्हाट, इसमें टू गैंग्स प्लेस रहते हैं इन एंड टू एंड में, ठीक है, दो गैंग्स रहते हैं, ठीक है, और एंड टू एंड में रहता है इसका अरेंजमेंट, ठीक है। यह डबल एक्शन, यह सिंगल एक्शन, ठीक है। सिंगल एक्शन में देखो, ये इधर से अगर एक मिनट आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, सी यू कैन सी हियर एंड हियर आल्सो, ओके, ये एंड टू एंड में रहता है, ठीक है। और ये जो रहता है, जो डबल एक्शन रहता है, उसमें क्या रहता है, ये बिहाइंड रहता है एक दूसरे के, ठीक है, एक एक दूसरे को फॉलो करता है, ठीक है। ये रहता है डबल एक्शन और ये रहता है अपना सिंगल एक्शन। और ये ऑफसेट मीन्स व्हाट, इसमें क्या रहेगा, ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और इसमें क्या हम क्या कर रहे हैं, हमारी सॉइल जो मतलब जो ये सेकेंडरी ऑपरेशन है, इसमें क्या करता है, सॉइल को एक साइड में नहीं रहना है अपने को, ठीक है। हमारा सॉइल जो रहता है वो एक प्लेन में रहना चाहिए, प्रॉपरली पर्वराइज होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो अपना प्लाव वगैरह रहता है वो क्या करता है, एक साइड में डाल देता है, उसकी तरह ये नहीं रहना चाहिए, हमारा जो सॉइल है वो प्रॉपरली पलोराइज होना चाहिए। तो इसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं, ये इसको जो भी अगर फ्रंट वाला एक साइड में डालेगा तो सेकंड वाला क्या करेगा, उसको उसके क्रॉस में डाल देगा, और जो सॉइल रहेगी वो एक प्रॉपर लेवल में रहेगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, ठीक है। इसमें ये जो डबल एक्शन में रहता है, ये एक दूसरे के पीछे रहते हैं, और एक जो गैंग्स रहते हैं, ये जो रहता है ना, ये वाला गैंग्स है, ये एक दूसरे के पीछे रहता है, और उसमें ये जहाँ पे ये माउंट हुआ है, ये वाला एंड टू एंड में रहते हैं, ठीक है, अपोजिट में रहते हैं, ठीक है, ऑफसेट में एक दूसरे के पीछे रहते हैं, और एक्शन अलग अलग रहेगा दोनों का, ठीक है। जो ये असेंबली रहता है इसको गैंग बोलते हैं, ठीक है। और ये भी इसका एडजस्टमेंट कैसा रहता है, जो लाइट ड्यूटी हरो रहते हैं उसमें ये जो गैंग्स, जो डिस्क और गैंग्स का रहता है, वो जो डिस्टेंस रहता है वो 15 to 23 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। और जो लाइट ड्यूटी मतलब जो हीवी ड्यूटी रहते हैं उसमें ये अप टू 25 से लेके 20-30 सेंटीमीटर तक जा सकता है, ठीक है। ये जो रहता है ना, ये वाला, ये इसका जो डिस्टेंस है वो लाइट ड्यूटी में कम रहेगा, हीवी ड्यूटी में ज्यादा रहेगा, ठीक है। अभी ये जो कंस्ट्रक्शन व्यू है ये देखेंगे, एक मिनट, लेट मी क्लियर दी फर्स्ट। सी इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी अपना स्क्रैपर रहेगा, ठीक है, गैंग्स रहेंगे जिसके ऊपर ये जो माउंटेड है डिस्क वो, ठीक है। उसके बाद में अपना जो डिस्क है वो, उसमें भी जो लास्ट में देखे थे वो सेरेटेड टाइप्स की डिस्क थे, ये वाला प्लेन टाइप्स का डिस्क दिख रहा है, ठीक है। ये प्लेन टाइप्स भी हो सकता है, सेरेटेड टाइप्स का हो सकता है। सेरेटेड का हाथ यूज करना है जहाँ पे स्टबल वगैरह होंगे, कुछ इंप्योरिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी, वहां पे हमें सेरेटेड टाइप्स यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में बेयरिंग्स होंगी, डेफिनेटली ये रोटेटिंग पार्ट है तो उसमें बेयरिंग रहना मतलब इससे क्या करेगा, फ्रिक्शन लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। बाद में मेन फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद में कैसल नट और स्पूप रहता है, ठीक है। ये जो अपना जो दोनों को एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस रखने के लिए ये स्पूल और
एक जगह पे फिक्स करने के लिए कैसल नट, ओके, ये इस टाइप से इसका अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। अगेन अपने को क्या करना है, ये दोनों में एक एंगल को मेंटेन करने के लिए जो अपना टॉप लिंक रहता है वहां पे ये एडजस्टिंग लीवर दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसको एडजस्ट करके हमें अपना मेंटेन करना है। सो ऐसा मेंटेन करना है सो दैट कि जो अपना आउटपुट निकल रहा है वो कोई एक साइड में ना हो, ठीक है, एक लाइन में होना चाहिए, एक साइड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये इसके कंस्ट्रक्शन व्यू थे, ठीक है। अभी ये जो है ये है स्पाइक टू थैरो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये सबसे कम डेप्थ के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है, थीके? मतलब कि ये क्या करता है कि ज्यादा डेप्थ में सॉइल का काम नहीं है अपने को, ठीक है, थोड़ा सा ही ऊपर का लेयर ही चाहिए। जो भी फेब्रस रूटेड क्रॉप रहते हैं वहां पे हमें जो हैरो यूज कर रहे हैं वो वाला ये है, ठीक है। फेब्रस रूटेड मीन्स जो जिनका रूट ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। और इसमें क्या रहता है, ये जो पेग्स रहते हैं ये एक फ्रेम को अटैच हुए रहते हैं, ठीक है, और हमें इसकी डेप्थ अगर इंक्रीज करनी है तो इसके ऊपर कुछ वेट रखना है, ठीक है। हम इसको नॉर्मली देखते हैं, इसमें अगर दो और भी दो तीन टाइप्स के रहते हैं, उसमें स्प्रिंग लोडेड भी रहता है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई इम्प्योरिटीज आ जाती है तो ये वाला तो टूट जाएगा, ये रिजिड टाइप्स का है तो इसका जो पेग है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर दूसरा हुआ ये अपना स्प्रिंग टाइप वाला, अगर कोई इम्प्योरिटीज आता है, कोई स्टबल वगैरह आता है या फिर कोई स्टोन आता है तो ये उसके ऊपर से उसको ओवरकम करके चला जाएगा, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है वो जो भी अपना स्प्रिंग या फिर स्पाइक टूथ रहेगा इसकी डेप्थ वर्किंग डेप्थ ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन ये स्प्रिंग टाइप क्या होता है, अपना स्पाइक टूथ से थोड़ा ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, ठीक है। अगेन ये क्या करता है, जो भी अपना अंदर अंदर के अंदर सॉइल के अंदर जो रूट्स रहते हैं, ठीक है, वो और जो ऊपर वाली वीड से वो इन दोनों को भी रिमूव करता है या फिर इन दोनों को इसके अंदर प्रॉपरली मिक्स करता है, ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर एक अपन टाइल्स लगाए हुए रहते हैं, ठीक है, उस उन टाइल्स को अपन प्रॉपरली मतलब कि प्रॉपरली एक उसका जो हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हेलो, शायद सर को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट रुको, कॉल करो। हेलो नीलेश सर, यस सर बोलिए सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। Okay, okay. Some technical error was there, I think. Okay, okay, sir. No problem. Okay. So now this is the blade arrow. Okay. In Marathi, in Maharashtra region, we called it as bakhar. Okay. और हम इसको बखार बोलते हैं जनरल में, ठीक है। ये क्या करता है? ये just ऊपर का layer है, उसको slice करते हुए चला जाता है, ठीक है। जस्ट अपन मतलब अपने को सेकेंडरी ऑपरेशन में क्या करना है, सिर्फ ऊपर का लेयर ही मैनिपुलेट करना है, ठीक है, जो भी करना है अपने को, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट इसमें प्राइमरी में और डेप्थ में कर चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, वो जो डिस्टर्ब किया हुआ सॉइल है उसको प्रॉपरली मतलब एक क्या बोलते हैं, एक फर्मली इसमें अरेंज करना है, ठीक है, एक सॉफ्ट बेड की तरह, ठीक है, सो दैट अपना जो वॉट एवर द क्रॉप होगा उसको एक फेवरेबल और कंफर्टेबल कंडीशन अप्लाई हो सके, ठीक है। अब ये ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकता, क्यों,
क्योंकि अगर ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो इसके ऊपर लोड ज्यादा आएगा और ये इट में बेंड और मे बी ब्रेक्स, ओके। और ये जो ऊपर का लेयर है उसके ऊपर अगर अपन करेंगे तो फैब्रस रूटेड जो भी रहता है अपना जो मेनली वीड रहता है वो फैब्रस रूटेड ही रहता है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये वाला ये, मतलब उसके ऊपर ये ज्यादा असरदार रहता है, ठीक है। और इसका वर्किंग विड्थ अगेन ये आपके पास जो ट्रैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो इसका विड्थ रहता है इट में वेरीज फ्रॉम 38 to 108 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कल्टीवेटर है, ठीक है, इसमें भी ये क्या रहता है, इसमें ये कल्टीवेटर में भी स्प्रिंग लोडेड टाइप्स का रहता है और रिजिड टाइप का भी रहता है, ठीक है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स के रहते हैं डेप्थ फुट कल्टीवेटर वगैरह, ठीक है। ये क्या करता है, जो ऊपर की जहां पे अपना सीड सो करना है, ठीक है, जो जितना अपना बेड है सीड का उतने को ही ये मतलब उसको कल्टीवेट करने के लिए हम ये यूज कर सकते, ये इस टाइप का कल्टीवेटर यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अपना जो नीचे वाला शोवल रहता है जो कि अपने टाइम के ऊपर माउंटेड रहता है, ठीक है, ये क्या करता है, उसको सॉइल को ओपन करता रहता है, उसके अंदर जो भी जितना भी मतलब अगर कहाँ पे कहीं पे सॉर्ट्स वगैरह होंगे उसको ब्रेक करेगा ये, ठीक है, और जो सॉइल रहता है उसको ये मतलब फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इसके इसका जो नंबर रहेगा जो टाइम्स रहेंगे ये ऑलवेज ऑड नंबर में रहेंगे, ठीक है। और इसी की वजह से हमें स्टार्टिंग में हमारा जो शेड्यूल रहता था वो भी ऑलवेज ऑड नंबर में रहता था, लेकिन अभी हम कुछ नए नए प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अभी वो नंबर चेंज हो चुका है, ठीक है, अभी वो टेस्ट कोड में भी अलग हो जाएगा, बट प्राइमरली वट एवर दी शेड्यूल्स देयर नंबर वॉज इन ऑड नंबर, ओके। टाइम में भी सेम, ठीक है, अभी भी टाइम में तो ऑड ही रहता है, ठीक है। और इसके मिनिमम ट्रैक्टर जो चाहिए अपने को वो मतलब अपना 35 HP के आसपास जाएगा, ठीक है, और उससे ज़्यादा अगर चाहेंगे तो अपना जो ट्रैक्टर है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो अपना लोकली यूज होता है जो मार्जिनल और जो मीडियम टाइप का फार्मर रहता है उनके पास में 7 or 9 types of कल्टीवेटर रहता है, ठीक है। ये इसके पार्ट्स है, ये जो स्प्रिंग है ये काय के लिए दिया हुआ रहता है, अगर कोई वॉट एवर दी अगर कोई रेसिस्ट मतलब कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगा, कोई इम्प्योरिटी आ जाएगी तो इसको ये ओवरकम कर देगा, ठीक है, उसको टैकल करके ये मतलब अपना शाइन को या फिर शोवेल को टूटने नहीं देगा, उसको ओवरकम करके आगे चला जाएगा, ठीक है, इसके लिए ये दिया हुआ रहता है, ठीक है। अभी जो बताया उस टाइप से ये दो टाइप्स के कल्टीवेटर है, एक तो रिजिड या फिर स्प्रिंग लोडेड। इसमें क्या रहेंगे, रिजिड में क्या रहेंगे, उसका जो ये फुट रहेगा, ठीक है, इस फुट के अकॉर्डिंग उसको भी हम या तो शोवल टाइप या फिर डक फुट टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। शोवल मीन्स सीधा सीधा एक ब्लेड रहता है जो डायरेक्टली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होता है और मतलब अपना ऑपरेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। उसमें भी जो ब्लेड रहता है उसको दोनों साइड से शार्पनेस रहता है, ठीक है, सो दैट कि अगर वन साइड का खराब हो जाएगा तो अपन उसको इन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो रेड दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों साइड में रहता है, ठीक है, सेम ये जो दिख रहा है ये दोनों साइड में रहता है, अगर एक साइड में टूट गया या फिर वो उसका शार्पनेस चला गया तो हम उसको इन्वर्ट करके चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो स्प्रिंग लोडेड रहता है ये काय के लिए रहता है, जो स्टडी टाइप्स का रहता है, मतलब जो अपना जो कुछ स्टोनी टाइप्स का एरिया हो गया या फिर कुछ जहाँ पे रूट्स वगैरह ज्यादा हो गए उस टाइप्स के एरिया में हमें ये यूज करना है, ठीक है। अगर वहाँ पे हम रिजिड टाइप्स यूज करेंगे तो समटाइम्स ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, टूट सकता है, ठीक है। और जो इसका जो मटेरियल रहता है ये जो स्टील रहता है उसको ये फॉर्ज स्टील रहता है, ठीक है। फॉर्ज स्टील मतलब क्या रहता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है। हम ये नॉर्मली जो ब्लेड्स अपन जो भी सॉइल वर्किंग टूल रहता है जहाँ पे ब्लेड्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे ये स्टेप्स का मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है। ये तो ज़्यादा मतलब ये मटेरियल कौन सा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, बट इसका वर्किंग जो है वो समझ लो, ठीक है। दोनों का सेम वर्किंग है, ज़्यादा डेप्थ में वर्क नहीं करना है,
लेकिन स्प्रिंग वाले में क्या करता है, अगर कुछ ऑब्स्टिकल आता है तो उसको ओवरकम करने के लिए ये स्ट्रिंग, ये जो स्प्रिंग है वो दिया हुआ रहता है, और अगर रिजिड रहेगा तो वो टूट भी सकता है। ठीक है, सो ये अपने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप्स के इम्प्लीमेंट थे। ठीक है, सो अगर आपको इन दोनों टाइप्स में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नीलेश सर।